बेगूसराय में अपने पिता की दूसरी शादी से नाराज एक सिरफिरे पुत्र ने बीती रात जान लेने के ख्याल से अपने ही पिता को गोली मार दी। घटना बकरी थाना क्षेत्र के सोनमा प्राणपुर की है। फिलहाल घायल अब्बास का इलाज एक निजी नर्सिंग होम में चल रहा है, जहां उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है तथा आरोपी पुत्र को पकड़ने के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है, लेकिन अब तक आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर है। दरअसल खगड़िया जिले के गनगोर के रहने वाले मोहम्मद अब्बास ने दो शादियां कर रखी थी। पहली पत्नी सबरुल निसा की मृत्यु तकरीबन 10 साल पहले हो चुकी है, लेकिन जब मोहम्मद अब्बास ने दूसरी शादी की उसी वक्त से अब्बास और पहली पत्नी का बेटा मोहम्मद यूसुफ नाराज था और बार बार पिता को जान से मारने का प्रयास कर रहा था। अपने बेटे के भय से मोहम्मद अब्बास अपने पैतृक गाँव को छोड़कर दूसरी पत्नी के बहन के गाँव बेगूसराय जिले के बकरी थाना क्षेत्र के प्राणपुर में जमीन लेकर अपना सियाना बनाकर रह रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी सिरफिरे पुत्र ने उसका पीछा नहीं छोड़ा और कई बार मारपीट के बाद जान से मारने का प्रयास किया। बीती रात जब मोहम्मद अब्बास अपने घर में दूसरी पत्नी और बच्चे के साथ सो रहा था, इसी दौरान नशे की हालत में मोहम्मद यूसुफ पहुंच गया और सोए अवस्था में ही मोहम्मद अब्बास को दो गोली मार दी और वहां से फरार हो गया। फिलहाल अब्बास का इलाज अस्पताल में चल रहा है और पुलिस आरोपी पुत्र को पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही है। हरे राम दास, टुडे बिहार न्यूज, बेगूसराय। अब्बास को उसका ही लड़का मोहम्मद शफीक गोली मार दिया है और जिसके जिंदो में जख्मी हो गया है और इलाज के लिए भेजा गया है। इसमें कारण है कि इसके जिसने गोली मारा है वो अपने बाप के दूसरी शादी से बहुत दुखी था और दूसरा क्या कि कई एक साल से इसका बाप इसी बात को लेकर के अपना जमीन वगैरह बिक्री कर रहा था। आज से 3-4 साल पहले भी उसको एक बार गोली मारा, इसी बात को लेकर रोकने के लिए कि संपत्ति को आप क्यों बेच रहे हैं, लेकिन उसकी ये प्रक्रिया जारी रही और यही कारण है कि फिर इसी अदावत को लेकर के उसके बेटे के द्वारा उसको गोली मारा गया है। रात में 8 बजे ऐसी सूचना कि कहीं वो ताली पी रहा था और गोली मारने के उपरांत से वो फरार है, अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी।